नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। भारत दौरे से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे में 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। बांग्लादेश के टेस्ट और T20 कप्तान शाकिब अल हसन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने 2 साल का बैन लगा दिया है। 2 साल के प्रतिबंध में 1 साल का निलंबन भी शामिल है। शाकिब ICC के एंटी करप्शन कोड को भंग करने के 3 आरोपों को स्वीकार कर लिया है। ये प्रतिबंध सभी प्रारूपों पर लागू होगा। वो 29 अक्टूबर 2020 तक बांग्लादेश टीम के चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। दरअसल शाकिब से एक बुकी ने मैच फिक्सिंग के लिए संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी ICC को नहीं दी। शाकिब ने हाल ही में ACSU के जांच अधिकारी के सामने भी इस घटना की बात कबूल की थी। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।